जी को हमारे संगठन ने जो टिकट दे दिया है, मैं उनकी बहुत खंडन करता हूँ। उन नेताओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट नेता नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी को डुबो दी है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को डुबो दी है। ईमानदार आदमी जो रात दिन काम करने वाला और हर आदमी के पास पहुँच कर उनका दुख सहने वाला इंसान होता है, उसको नकारा जाता है। इस पार्टी के अंदर गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, हमारी कांग्रेस पार्टी देश आजाद होने के बाद में इतनी महान पार्टी थी, लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेताओं को इस पार्टी में लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी को डुबो दिए। सचिन पायलट हाय हाय, सचिन पायलट हाय हाय। मेरा एक ही मकसद है, कहने दो मेरे को पूरा, जिन नेताओं ने ईमानदार आदमी का जो टिकट काटा है, रात दिन में 10 साल तक मैंने पार्टी की सेवा दी, हर गांव और हर टाणी के अंदर मैं पहुंचता हूं, दुख और सुख में अंदर में रहता हूं, लेकिन नजरअंदाज कर दिया कांग्रेस ने। हमारी सर्वे रिपोर्टें सारी पॉजिटिव थी, लेकिन इन्होंने हमारी सर्वे रिपोर्टें नहीं देखी, हमारी जनता की आवाज़ को नहीं सुनी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा और मैं आरोप लगाता हूँ ऐसे भ्रष्ट नेता के ऊपर, जो हमारे जिले के ऊपर जिला अध्यक्ष है, एक नंबर का बदमाश और लुटेरा है, उनके साथ में मैं ऐसे वरिष्ठ नेता को नाम देना चाहता हूँ जिन्होंने अगर हमारी कपास सभा को डबो दी, जो है हमारी सुश्री गिरिजा व्यास, पूर्व सांसद, जिन्होंने हमारे कपासन विधानसभा को डबो दिया। और हमारे प्रभारी लगे हुए हैं गोपाल सिंह जी इडरा, उन लोगों ने गलत गलत रिपोर्टें देकर, गोपाल सिंह जी इडवा जो हमारे चित्तौड़ के प्रभारी हैं, उन्होंने गलत गलत रिपोर्टें पहुंचाई ऊपर और हमारा टिकट कटवाया। मैं आज कहना चाहूंगा, आरोप प्रदेश अध्यक्ष पर लगाऊंगा, हमारे सचिन पायलट भी भ्रष्ट हैं। सचिन पायलट पैसा लेकर टिकट वितरण किया है, मैं आरोप लगाता हूँ। और इस कांग्रेस पार्टी में मेरा पूरा परिवार, मेरी साथी पिंडी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, लेकिन मैं आज जनता की सेवा करना चाह रहा था, लेकिन इन लोगों ने मेरे को टिकट नहीं दिया और जनता की आवाज को नहीं सुनी। तो मैं जनता के साथ में हूँ और कांग्रेस पार्टी में जो मेरे प्रदेश अध्यक्ष का पद है, सॉरी सदस्य का, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर मेरा सदस्य का पद है, उसका मैं इस्तीफा दूंगा, आज ही मैं फैक्स करूंगा।